रोने इसने लगी, सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं, पेट्रोल ही नहीं पूरा होता। और वो जब से गया हमारी जिंदगी बर्बाद हो सामने नहीं। हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तसीर है। इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन करने वाला हूं मैं, जिसका टाइटल है फेलियर्स एंड डैमेजेस ऑफ इंपोर्टेड गवर्नमेंट। आप समझ सकते हैं इसके अंदर क्या होगा, इकोनॉमी डिस्ट्रॉयड। वीडियो जो है सुलेमान एंड दाऊद चैनल से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को जाकर चेक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। एंड रिवाइंड ऑफ रिजीम चेंज हमने देखा था, वो भी इन्हीं का बनाया हुआ वीडियो था। तो अपलोड वो दूसरे चैनल पर हुआ था, लेकिन इनका बनाया हुआ वीडियो था, तो जाकर चेक करें, अच्छे वीडियोज बनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अभी तो हमारा रोजा करते ये लोग, जुल्म ना करो खुदारा, अगर हमारा नहीं कुछ सुन सकते तो ये मुल्क छोड़ के आप चले जाए। मार दिया इन्होंने, खत्म कर दिया गरीब आदमी को, इन्होंने सफाई अस्थी से मिटा दिया। ये क्या हाल हो रहा है, ये क्या हाल हो रहा है, पेट्रोल महंगा कर दिया, ये इमरान खान ने करवाया। भजन दिल से बदवाएं निकलती हैं, झोलियां फैलाते हैं, इंतजार है बस मौत आएगा तो बस इस। कौमी असेंबली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 मंजूर कर लिया गया, साथ ही साथ ईवीएम के खात्मे का बिल अब मंजूर कर लिया गया। मुल्क से बाहर मुकीम पाकिस्तानी है, अब उनसे ये हक छीन लिया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इकदाम, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिफारती पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दिया। आम खबर से आपको आगाह करें, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से 100 से ज्यादा अफराद के नाम निकाल दिए गए हैं। सल्तनत शरीफ के बड़े बड़े नाम जो चंद रोज में भरेंगे सऊदी अरब के लिए। डीजल को जब पता चला कि उसकी कीमत 60 रुपए पड़ गई, वो उम्र करने चला गया। 60 रुपए बढ़ गए। For 30 years, these guys have been funding the country. 60% of the cabinet is on bail. क्या हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया, पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे पर आ गई है। 30 रुपए महंगा हो गया, महंगे पे दाब आ गई, तो आगे आप आए हूँ डाल तो नहीं दे रहा। 30 रुपए महंगा, पेट्रोल महंगा कर दिया, ये इमरान खान ने करवाया। गरीबी नहीं, गरीबों को खत्म करने हैं इन्होंने। जो कौम को ये कह के आए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ गए। तो ओपन मार्केट में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, गरीबों को खत्म। डॉलर की उड़ान बेकाबू, 212 रुपए का अब गिर गया है डॉलर। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 249 रुपए 94 पैसे का हो गया। सोना भी डॉलर के नक्शे कदम पर। ये शहबाज शरीफ साहब के लिए उनकी अय्याशियों पर पैसा खर्च हो रहा है। 7.5 करोड़ रुपया मुबैना तौर पे लगाकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस का स्विमिंग पूल मुरम्मत करवाया जा रहा है। इमरान खान ने यहाँ पे एक टके का फर्नीचर नया नहीं डलवाया। उन्होंने अभी स्विमिंग पूल वहाँ पे उन्होंने 7.5 करोड़ रुपए उन्होंने लगाया। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दुभर कर दिया है, घंटों बिजली गायब रहती है। किधर गई है बिजली? हम भी 3.5 साल थे, कभी किसी ने इस तरह की लोड शेडिंग देखी? तो बिजली तो है, गई किधर? गई किधर? पाकिस्तान लुटेरों के चुंगल में है। पाकिस्तान स्टील मिल में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी चोरी, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और मेन प्लांट से 10 अरब रुपए का मटेरियल चुरा लिया गया। हुकूमत ने सनअतों पर बिजली गिरा दी। हमारी तमाम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इन्हेंसमेंट करने लगी है, इंक्रीज करने लगी है अपने यूनिट्स को, और अब ये पोजीशन आ गई है कि उसे वो खत्म करना चाह रहे हैं आईएमएफ की वजह से। आज ये फैसला किया गया है कि बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स पॉवर्टी एलिविएशन का हम टैक्स लगा रहे हैं। और वज़ीर आज़म ने उससे कुछ देर पहले भारी टैक्सेस आयद किए थे इंडस्ट्रीज पर, सनतों पर, और उसके बाद उसका जो नतीजा सामने आया है वो स्टॉक मार्केट में मंदी की सूरत में सामने आया है और क्रैश कर गई है। क्रैश पीटीआई हुकूमत की काविश होकर क्रेडिट हुकूमत अपने सर लेने लगी है। पहले एफएटीएफ कानून की मुखालफत की और अब वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर ने ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट अपनी टीम को दे दिया। जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम, आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2,000 रुपया दे रही है। यानी जिस रऊनत के साथ इस खातून ने 2,000 रुपए का अनाउंसमेंट किया, हुकूमत अपने पास से आपके बाप का पैसा। अदाकारण की नाजीबा हरकत, हाथ में आईने पाकिस्तान ने उठा रखा है, दूसरे हाथ से वो तरह का नाजीबा इशारा कर रहे हैं। उस पे शर्म बता, तारण ने बाप के मुंह पे तमाचा मारा है उसने। अदाकारण इस तरह के लोग किसी शक्ल के साथ इसको लगाम दे, इसको खोलने वाले तो अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो रेस्टोरेंट की।
कि आपका वजीर खजाना पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बात करता है, लोगों को कहता है उनके ऊपर बोझ पड़ेगा और फिर उनका मजाक उड़ाते हुए कहका लगाता है। ये है बेशर्मी की इंतहा और ये है बेहिसी की इंतहा। आपको मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली। और महंगाई के तूफान से बचने के लिए हुकूमत की जानिब से मुफ्त मशवरे दिए जा रहे हैं। 220 काम कर रहे हैं। बड़ी गाड़ियां मुकम्मल तौर पर बैन की जा रही हैं। मोबाइल फोन्स, होम अप्लायंसेस मुकम्मल तौर पर इंपोर्टेड बैन कर दी गई हैं। ये बोकलाट में ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। होंडा सिटी जो है वो तकरीबन 7.5 लाख रुपए से लेकर 9 लाख डिफरेंट वेरिएंट। BRV जिसको को कहते हैं लोग लेता नहीं, वो 10 लाख रुपए महंगी हुई है। और सिविक टर्बो वो 14 लाख 10 हज़ार रुपए समझ ले एक गाड़ी। और एडिशन आगे भी 3 गुना गाड़ियों की कीमतें बढ़ी हैं विद इन मंथ्स बढ़ी है। हाँ जी बिल्कुल, सीट बढ़ेंगी अगर डॉलर ऊपर जाता रहेगा तो बढ़ेगी। आप कह रहे हैं मुल्क चलाने के लिए हमें डॉलर चाहिए, वो डॉलर भेज रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि नहीं जी आप गाड़ी भी ना भेजें डॉलर भी ना। इमरान खान के कत्ल की सिफारिश दे दी गई। फयाजुल हसन चौहान का बड़ा इंकशाफ। एक दो रोज पहले अफगानिस्तान में कूची नामी दहशत गर्द से राबता करके इमरान खान को कत्ल कराने के मामला तय किए गए। अहम खबर आपको दें, पीछे इमरान खान के घर में जासूसी के लिए जुबाई से पकड़े जाने का दावा। शहबाज गिल ने पकड़े जाने वाले मुलाजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया। केस के अहम मुल्ज़िम मकसूद चपरासी फौत हो गए हैं। ज़रा का ये बताना है कि मकसूद चपरासी हरकते कल्ब बंद होने से फौत हुए हैं। मकसूद चपरासी का उत्तर दुबई को भेजा, इसी से नाम निकाला दुबई भेजा, वो मर गया। अहम खबर देंगे आपको, FIA शहबाज शरीफ हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी से दस्तबरदार हो गया है। कैसे आसिफ जरदारी भी अब बच जाएंगे, नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ वो भी बच जाएंगे। आप खबर ये आ रही है कि इमरान रियाज खान साहब को ऑफर कर दिया गया है, वो सवा घड़ी में बतौर एंकर पर्सन काम कर रहे हैं। गाड़ी आपने मेरी छीन ली, हथियार आपने मेरे छीन लिए, 20 FIR मेरे को वाली, ये गिरफ्तारी वाला तजुर्बा करना है, लो ये भी करके देखो मैं यहाँ। ARY के दो सहाफियों अरशद शरीफ और साबिर शाकिर पर कई मुकदमात दर्ज। इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज माहौल पैदा करने का इल्जाम लगाया गया। मुकदमात में दफा 131, 153 और 505 शामिल थी। एक तो ये धांधली की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा लोगों में खौफ फैला रहे हैं, जिस तरह एयाज अमीर को मार पड़वाने और जलील करने की कोशिश की। साबिर शाकिर को आज से तो नहीं वो सहाफत कर रहे, 20 साल से कर, वो मुल्क छोड़ के चला गया। सभी इब्राहिम उसके पीछे पड़े हुए, जमील फारूकी नौजवान है उसके पीछे पड़े हुए, तो वहाँ उसका कजन आया हुआ था, उसको 15-20 लोग अंदर घुसे उसको मारा पड़ा। इन्होंने 25 मई को जो जुल्म किया मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है सैलाबी रेले की नजर होने के बाद। हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझे, आप सुनने की शायद ही मांगने आया, मैं मांग नहीं आया लेकिन मजबूरी है। Beggars can't choose us. चूहे आपके पेट में दौड़ रहे होंगे। आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती फैसले आपने लिखवाए। अभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, जान की हड्डियों से गोश तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उबार लिया है। बर्बाद कर चुका हूँ इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को। कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के देंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की अंदर की बातें आपको बताएंगे। जिसका टेन्योर में उसकी नौकरी 3 साल की है, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुँचता है। तो हमारे किरदार नहीं करना छोड़ दो, अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। आज कोई हेलीकॉप्टर तो बुजुर्ग पाकिस्तान का फूल कर जो बुढ़े बुढ़े रैड करने लाते हैं इसराइल की नुमाइंदगी और जो एस्टैब्लिशमेंट है वो रियासत के नाम पर सियासत में मुदाखलत करके जो फैसले करते हैं अपनी चीजें ठीक करना चाहते हैं, आपने चीजें बिगाड़ी हैं। कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। खाल पहन के कोई नवाज शरीफ नहीं बन सकता। बच्चों पाकिस्तान भी जरूरी है, करप्शन होती है,
कैसे खाई जाती है। ये इंसाफ के बाबे ठहरे, मैं उनके फाइलों को फेंक दूंगा उनके सामने। ये लैंग्वेज किसी आलम दीन सियासी जमात को देख देती है। जहां मीडिया की तरफ से ऑटोबॉट कराया गया, फिर हमसे हमारा वोटिंग का हक छीन लिया गया। और अब फॉरेन एजेंट, हाँ मैं हूँ फॉरेन एजेंट और इंशाल्लाह आगे भी मैं फंडिंग करती रहूंगी पीटीआई। इंशाल्लाह हम हर दफा फंड बढ़ चढ़ कर देंगे, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ये बात मुंशी पर कैद किया गया फैसला है, उस तरीके से हम लोग पीटीआई के लिए फंडिंग करेंगे। सुभाष गिल साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर ले, नीचे से मेरी गर्दन देख रहे, तो उसके बाद फिर सुभाष गिल ने जो कहा और अगर वो कानून के खिलाफ था, बड़ा आसान है। हमारा आईन मुल्क का, हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है। नू लीगी हुकूमत ने जुल्म और सितम में अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल के जावर की बीवी को ना के दर जुर्म में रात सलाखों के पीछे गुजारना पड़ी। उनकी 10 माह की बच्ची ने रात रोते चिसकते और बिलखते नंगा करके जेल के अंदर उन्होंने घुमाया। शहबाज गिल साहब को ये किस तरह के हैवान है। अगली पेशी तक मुझे जान से मार दिया गया तो आपसे वादा है कि कब्र भी इसी मिट्टी में बनेगी। यहाँ से जाऊँगा नहीं, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। और कुछ कर सको ना कर सको, वफादारी जरूर निभाना मेरा आपसे वादा है। मेरी जान भी जाती है तो वफादारी जरूर, अल्लाह के करम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से इंशाल्लाह मैं खान के साथ एक इंच पीछे नहीं हटूंगा। आपने मेरी जान लेनी शौक से लें। एंड बहुत ही तगड़ा वीडियो था, पूरे टाइम मतलब एक आध सेकेंड के लिए जाते होंगे मेरे गूज़बम्प्स, मतलब ठंडे हुआ मामला कि हाँ सोच देखूँ मैं क्या है। लेकिन बार बार आ रहे थे, बार बार आ रहे थे मेरे कानों पर भी, मतलब महसूस हो रहा था कि बाल खड़े से हो रहे हैं, रोंगटा खड़ा हो रहा है। बहुत तगड़ा वीडियो था, बहुत कुछ था इसके अंदर, बहुत कुछ नहीं मतलब सब कुछ ही था। किस तरीके से सब कुछ चेंज होने के साथ साथ किस तरीके से चीज़ों को उल्टा होना, महंगाई बढ़ना, लोग कह रहे हैं अब तो मौत आएगी उसी का इंतज़ार है, बाकी कोई और ख्वाब कोई जीने की तमन्ना नहीं रही है यार। ऐसे ऐसे लोग मतलब रिक्शा ड्राइवर जगह जगह जो परेशान है महंगाई से, पेट्रोल की कीमतों से और इस चीज़ से चेंज होने से, ये सबके बार बार लोगों का हौसला टूट टूटा है, नीचे गया है, मरते मरते उन्होंने मौत देखी है कि बस मैं मर ही रहा हूँ, अब कुछ और तमन्ना नहीं है कि मौत आ जाए, बस तब तक की ज़िंदगी जीना है। इस सब चीज़ को मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, परेशान हो गए हैं लोग कि बस मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। ये हालात भी देखे हैं भाई, ये हालात भी देखे हैं, क्या कुछ नहीं था इसके अंदर। ये बहुत सारी अनसीन जो चीज़ें थी जो मेरे लिए मतलब नई थी, जो मैंने नहीं देखी थी, नई नई मतलब जो हो चुकी हैं वो मैंने देखी नहीं थी, वो भी चीज़ें थी इसके अंदर। लास्ट में जो वर्ड थे यार है, कत्ल कर दिया उन्होंने, मेरे दिल के आर पार निकल गए। शहबाज़ गिल कहते भाई जो करना है कर लो, एक इंच पीछे नहीं हटना मुझे, इमरान खान के साथ था खड़ा रहूँगा और इस मुल्क को छोड़कर नहीं जाऊँगा, मतलब यहाँ से जाना नहीं है, इसी मिट्टी में दफन हो जाऊँगा। सो ये जो क्रेज़, ये जो साथ दे रही है पब्लिक जिस तरीके से दे रही है वो काबिले तारीफ है, सोचने वाली बात है किस तरीके से दे रही है। फंडिंग करेंगे हम लोग, विदेशी लोगों को भी दिखाया इन्होंने इस तरीके से इकोनॉमी पर असर पड़ा, 3 गुना कारों के प्राइसेस बढ़े हैं भाई, क्या कुछ नहीं देखना बाकी है पाकिस्तान के लिए, और क्या रह गया है इसके अलावा, और क्या देखना, बैंकरप्सी देखना बाकी है, ख़त्म हो जाना, श्रीलंका की तरह कुछ और हो जाना, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, बहुत ज़बरदस्त वीडियो था, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करिए आप, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को, हमारे भी और उस वीडियो को भी। फिलहाल के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।